भैया कृष्ण की ऐसी बाल लीलाएं थी, आपने अभी श्रवण की होगी माखन चोरी लीला। परीक्षक उदाहरण के लिए समझाते हैं, कृष्ण गोपियों से इतना स्नेह और इतना प्रेम करते थे। एक समय एक गोपी के घर में भगवान माखन चुराए हुए पहुंचे, तो वो गोपी इतनी बड़ी चालाक रहे, मैंने मटकी के पास में एक घंटी टांगी और जवाब दो जब मेरे कन्हैया माखन चुराए हुए के लिए आए तो तू भजना प्रारंभ कर देना, भजना प्रारंभ कर देना। महाराज भगवान गए, मटकी उतारी, घंटी नाए बजी, जमीन पे मटकी रखी तो घंटी नाए बजी, ग्वाल बालक को माखन दियो घंटी नाए बजी, भगवान ने मटकी में हाथ डालो तो घंटी नाए बजी, और परीक्षक जैसी गोविंद ने मुंह की तरफ माखन लगाओ घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले क्या कर रही है, पिटवाएगी का? जवाब दो हे वह घंटी ने के कन्हैया, तुमने मटकी उतारी हम नाए बजे, ग्वाल बालक को माखन दियो हम नाए बजे, जमीन पे फैलाओ हम नाए बजे, लेकिन संतों से और विद्वानों से पूछो कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। इसलिए जो मेरा कर्म है वो मैं कर रही हूं, जो आपका कर्म है वो आप करिए। ऐसे कृष्ण के महाराज उपद्रव थे बचपन के। एक समय गोविंद गैया चराने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका वध किया। एक बकासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका भी वध किया, लेकिन ग्वाल वालों ने भगवान से कहा है कि कन्हैया आज कोई नई युक्ति बताओ जो हमें सबको अच्छी लगे। भगवान बोले युक्ति तो कोई ना है, लेकिन एक हमारा काम करो। बोले कहा कल सब अपने अपने घर से भोजन लेके आना और मैं बताऊंगा कि किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। महाराज सब ग्वाल वाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया। वो घर से कुछ गरीब था तो वो छाछ लेके गया है मठा। सबके भगवान ने भोजन किए, लेकिन उस मधु नाम के सखा ने विचार किया कि अगर ये ऐसे ही 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाला मेरी छाछ को पिया पिएगा, इसलिए कोने में बैठ करके चुपचाप छाछ को पीने लगा। भगवान भोजन कर रहे, भैया कृष्ण की निगाह जब मधु नाम के सखा पे पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके ओठों को चाटने लगे। अब जब ओठों को चाटना प्रभु ने शुरू किया, ब्रह्मा जी देख रहे थे, विचार किया कि ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कभी नहीं कह सकते। अब उन्हें क्या पता ब्रह्मा जी को कि जिस भगवान की रची रचाई माया है। तो भगवान गैया देखे के लिए पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया, और जब गुफा में बंद किया लौट के भगवान आए तो देखो कि ग्वाल वालों को भी उसी गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने ध्यान धर के देखा तो गैया और ग्वाल वाल बछड़े गुफा में बंद। कृष्ण ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौए, उसी प्रकार के ग्वाल, एक साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया
कि असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। एक साल बाद ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो देखा ब्रज में भी बंद है, फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंद है। रस्ते में भगवान ने रोक लो, जवाब दो ब्रह्मा जी ज्यादा मत भागो, थक जाओगे, एक काम करो हमारे साथ में खेल मत खेलो, जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गढ़ हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब छूट गया चतुरानन भी, हमसे खेल मत खेलो। बड़े बड़े ऋषि मुनिगढ़ सब हार गए और आप मेरे साथ में खेल खेल रहे हो, अच्छी बात नहीं है। जवाब दिया इस प्रकार से भगवान ने, आज अपनी माया दिखाई। एक दिन गौर करना परीक्षित, ग्वाल बालों ने भगवान से कहा कि मुझे भूख लगी है। भगवान बोले जाओ यहाँ से कुछ दूरी पर, ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। तो ग्वाल वाले चले, ब्राह्मणों से कहा महाराज भोजन चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे अरे अहिर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है जो भोजन मांगने आ गए? अरे यहां से भाग जाओ, कोई भोजन नहीं देगा तुम्हें। महाराज ग्वाल वालों को ब्राह्मणों ने भगा दिया। आए ग्वाल वाल कृष्ण, बोले हाँ भोजन ले आए। बोले तुम्हें भोजन की पड़ी है, गाली और सुन के आए द्विचार। बोले अब दोबारा फिर जाओ और जाए कि अब की बार ब्राह्मणों से। अब की बार ब्राह्मणों से नहीं उनकी पत्नियों से भोजन मांगना। तो दामा बोलो हमें जब मालिम पड़ रही है वे ब्राह्मण से गाली खाए गया है, ब्राह्मण की पत्नियों से पिटवाने कोई ना उमर उमर, चलो ना मान रहे हो तो जाए रहे। दोबारा फिर गए बेचारे और ब्राह्मणियों से भोजन मांगा। ब्राह्मणियों से भोजन मांगा तो ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और उठा करके ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने जो भोजन देखो तो जवाब दो है कि जाओ ब्राह्मणियों, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते